दोस्तों मेरे हाथ में है ये बजाज फिनसर्व का ईएमआई कार्ड। ये ईएमआई कार्ड क्या होता है, इसके लिए मैंने पहले दो वीडियोस बना दिया हूँ कि बजाज फिनसर्व कार्ड के ऊपर में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। वहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोगों ने मुझे कमेंट करके ये पूछा था कि ये कार्ड मुझे भी चाहिए, कैसे अप्लाई करें, क्या प्रोसीड्योर है, मतलब इनके चार्जेस कितने लगते हैं, ईएमआई कैसे पेमेंट करना पड़ेगा, बाइक ले सकते हैं कि नहीं, स्टूडेंट के लिए है कि नहीं। आपके जितने भी क्वेरी हैं इस वीडियोज में हम पूरा पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके बावजूद भी अगर कुछ आपके पास क्वेश्चन रह जाते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। हालांकि हमने एक लिस्ट पूरा बनाया हुआ है क्वेश्चन का जो आपके कमेंट्स हैं उसके आधार पर, और मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोगों ने कॉमन क्वेश्चन पूछा है उसको मैं सॉल्व कर ही दूँ। हालांकि इसको हम लोग नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड भी बोलते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई के ऊपर में मैंने अभी 20-25 दिन पहले भी एक वीडियोस बनाया है, तो आप लोग जाकर उसका भी चेक कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बजाज ईएमआई कार्ड का पहला वीडियो का भी लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियोस थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन कंटिन्यू कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियोस पूरा देख लेते हैं तो शायद आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम इस कार्ड के लेकर नहीं आने वाली है। सबसे पहला और सबसे वायरल क्वेश्चन जो आपने मुझसे कई बार पूछा है, ये कार्ड अप्लाई कैसे करें, यानी हाउ टू अप्लाई बजाज फिनसर्व कार्ड। इसके दो मेथड्स हैं, पहला है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। ऑनलाइन मेथड्स देखो भाई हम सभी के लिए नहीं है, अगर आप नए कस्टमर है तो आपके लिए ऑनलाइन मेथड्स है ही नहीं, आप भूल जाओ। क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई का जो प्रोसीड्योर है वो सिर्फ उनके लिए है जो बजाज के पहले से कस्टमर है, यानी अगर बजाज के आप लोन लिए हो, बजाज के इंश्योरेंस करवाए हो, बजाज में फिक्स डिपोजिट है, तब एज ए आप पहले से कस्टमर बजाज के हैं तब आपका कस्टमर पोर्टल पे जाके लॉगिन करके वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं ऑफलाइन, जो कि बहुत इजी प्रोसीड्योर है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, हर सिटी में इसके अपने ऑफिस हैं। अब आपके सिटी में है कि नहीं उसका लिंक मैं नीचे दे देता हूँ, बजाज के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, आप चले जाके चेक कर लीजिए, आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, सिटी सेलेक्ट कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपके सिटीज में ये ऑफिस कहाँ पे है। लेकिन आपको अप्लाई करने के लिए ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, आपके आसपास के जो एरिए में आप देखेंगे तो बड़े बड़े टीवी, लार्ज अप्लायंस, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन के जो शॉप होंगे वहां पे आप चल जाइए। निश्चित रूप से दो शॉप में से एक शॉप ऐसा होगा ईएमआई कार्ड को एक्सेप्ट भी करता होगा और वहां से नया अप्लाई भी होता होगा। यानी ऑफलाइन अप्लाई करने का तरीका यही है कि मान लीजिए कि 12,000 रुपये का आपको एक टीवी खरीदना है, 1,000-1,000 रुपया करके आप 12 महीने में आप पेमेंट कर सकते हैं। इसका दूसरा नाम नो कॉस्ट ईएमआई इसलिए भी है क्योंकि इसमें 1 रुपया भी आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। इसके बारे में मैं पूरी डिटेल्स बताऊंगा, कंटिन्यू बने रहिए। अब आपको अप्लाई करना है तो आप ऑफलाइन दुकान में चले गए जहां से ये कार्ड एक्सेप्ट होता है और अप्लाई भी होता है, वहां से आपको टीवी खरीदना है तो इंस्टेंट आपको क्या होगा कि उसी समय आपको वहां पे लोन अप्रूव किया जाएगा। ये बेसिकली एक लोन है, आपको इंस्टेंट लोन अप्रूव किया जाएगा और आपको फिर कार्ड के लिए वहीं से अप्लाई करेंगे, ऑफलाइन मेथड से अप्लाई करेंगे, जो वहां पे उसके एजेंट आते हैं वही अप्लाई करते हैं। वही एक सिंपल प्रोसीड्योर है और आपको इंस्टेंट टीवी भी मिल जाएगा, मतलब आपके पास कुछ भी कार्ड नहीं है, टीवी या फिर कुछ भी फ्रिज वगैरह एसी वगैरह खरीदना है, दुकान पर जाइए, सीधा अप्लाई भी करेंगे और वहां से आप खरीद के आप घर पर भी ले आ सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन यही है कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें मैंने बता दिया, ऑफलाइन के बारे में भी मैंने बता दिया, किसी भी दुकान में जाइए, आपकी नजदीकी स्टोर में चले जाइए, वहां भी ये कार्ड अप्लाई होता है। बस यही दो मेथड से, इसके बाद हम ऑनलाइन में माइंड मत लगाइए, अप्लाई सभी के लिए, नए कस्टमर के लिए अप्लाई नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है ईयरली फी कितना लगेगा। भैया मैं आपको बता दूं कि पहले लगता था 450 रुपया, अभी 412 रुपया लग रहा है इंक्लूडिंग जीएसटी 18% जोड़ के, अगर आप गोल्ड कार्ड लेते हैं तो। यार ये मेरा भी गोल्ड कार्ड है, गोल्ड कार्ड की ही बात कर रहे हैं। अब इसका एक दो कार्ड आता है, टाइटेनियम कार्ड भी आता है, उसका 884 रुपया लगता है। अब गोल्ड टाइटेनियम में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, इसका लिमिट 60,000 मुझे मिला, हो सकता है टाइटेनियम का लिमिट ज्यादा होगा, मेरे पास टाइटेनियम नहीं है इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में टाइटेनियम कार्ड के बारे में नहीं जानता हूं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है इंटरेस्ट फ्री, इंटरेस्ट कितना लगेगा। अरे यार इंटरेस्ट नो कॉस्ट ईएमआई, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता। हाँ प्रोसेसिंग फी आपको जरूर लग जाएगा, 15,000 का मैंने रेफ्रिजरेटर खरीदा था अभी कुछ दिन पहले बताया था, और वहां पे मुझे 900 रुपया, 894 रुपया, 900 रुपया मुझे प्रोसेसिंग फी देना पड़ गया था। तो प्रोसेसिंग फी के नाम पे ये लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन प्रोसेसिंग फी के नाम पे आपसे इंटरेस्ट का पैसा वसूल कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट नो कॉस्ट ईएमआई तो पैसा नहीं लगेगा। हाँ लेकिन इसके प्रोसीड्योर हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप ऑफलाइन में जाके खरीदे तो आपको, चलो वन टाइम आपने फ्रिज ले लिया, एसी ले लिया, तो वन टाइम आपने कार्ड बनवा लिया, ऑफलाइन में कोई बात नहीं, प्रोसेसिंग फी दिया, कार्ड का जो 450-450 रुपया है वो दे दिया, 1,000-1,200 रुपया आपको लग गया। लेकिन जब एक बार आपका कार्ड बन गया, अब आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कीजिए, अमेजोन से शॉपिंग कीजिए, मजे में शॉपिंग कीजिए। आपको बता दूं कि अभी दशहरा दिवाली निकला, उसमें फेस्टिवल में इतने सारे ऑफर्स आए थे नो कॉस्ट ईएमआई पे। मान लो कि 36,000 का टीवी है, 36 महीना, 12 3,000 रुपया करके आप पर मंथ देना चाहते हो तो दे दो ना मजे से, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लगना है, प्रोसेसिंग फी भी नहीं लगता ऑनलाइन में। फ्लिपकार्ट या अमेजोन से लेंगे तो प्रोसेसिंग फी भी वेव्ड हो जाता है।
फिर सोचेंगे ये काम कैसे करता है। इसके लिए मैंने थोड़ा सा वीडियोस बनाया, आप दोनों को चेक कीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये होता ऐसा है कि 36,000 का फी है, मान लो कि 4,000 रुपये इंटरेस्ट बैंक को देना है, तो बैंक को तो आपको पूरा पैसा देने होंगे, लेकिन 36,000 में से 4,000 रुपये कम होकर जो 32,000 रुपया वही पैसा फ्लिपकार्ट को मिलना है, तो जो इंटरेस्ट का पैसा फ्लिपकार्ट आपके प्रोडक्ट के प्राइस से वो माइनस कर देती है। तो यही इसका कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं है। हालांकि क्रेडिट कार्ड भी मेरे पास है, क्रेडिट कार्ड से भी मैं अक्सर शॉपिंग करता हूँ। मुझे तो इस फेंसर कार्ड से ज़्यादा अच्छा क्रेडिट कार्ड लगता है, इससे शॉपिंग करने में इसके भी काफ़ी सारे फायदे हैं। तो वीडियोज़ यार इसको जोड़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम बात करते हैं प्रोसेसिंग फी की। तो प्रोसेसिंग फी के लिए मैंने पूरा ऑलरेडी बता दिया है कि लगभग 412 रुपये के आसपास में आपको लग जाएगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा भैया? देखो, डॉक्यूमेंट एक आईडी प्रूफ लगेगा, एक एड्रेस प्रूफ लगेगा, बैंक के आपके स्टेटमेंट लगेंगे फ्रंट पेज, और आपकी जो पासबुक अपडेट है या नहीं, वो यानी पासबुक में पैसे का जो ट्रांजेक्शन क्रेडिट और डेबिट का है ना, वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दो दो साल, छः छः महीना, आठ आठ महीना से ट्रांजेक्शन नहीं किया हो। भाई एक दो महीना में दो बार, एक बार तीन बार भी ट्रांजेक्शन है, दो तीन महीना तक लगातार है, तो आपको बैंक जो है कार्ड प्रोवाइड कर देगी। एक्चुअली में बैंक ही प्रोवाइड करती है, लेकिन जो शॉप वाले हैं वो अलाउ कर देते हैं, और शॉप में बहुत बड़ा टेंशन नहीं होता, आप इजी वे में लाइक अलाउ करवा सकते हैं। बैंक के जैसा इतना झंझट नहीं है, सैलरी कितना है नहीं है, मतलब कोई भी बंदा करवा सकता है यार। सैलरी वाली का इसमें कुछ भी मतलब नहीं होता है, बैंक का ट्रांजेक्शन ठीक ठाक है, मतलब तीन महीने, पिछले तीन महीना में क्रेडिट डेबिट आप दिखवा दीजिए, इजी वे में अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी टेंशन नहीं होता है। इसके बाद है स्टूडेंट को मिलेगा क्या। भैया स्टूडेंट से मतलब नहीं है, आप स्टूडेंट से कोई दिक्कत नहीं, बैंक आपके पास अकाउंट होना चाहिए, और मैंने बताया कि तीन महीना तक का जो ट्रांजेक्शन क्रेडिट डेबिट जो अच्छा खासा होना चाहिए तो आपको मिल जाता है, बहुत इसमें प्रोसीड्योर नहीं होता है। ईएमआई कैसे चुकाना होगा? हाँ, जब भी आप कार्ड अप्लाई करेंगे तो जो बैंक के पासबुक देंगे ना, उससे उस पर्टिकुलर बैंक से आपका इस कार्ड को अटैच कर दिया जाएगा, वो सेविंग अकाउंट होगा, उससे कनेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि मेरा 2 तारीख को बिल आता है, तो हर 2 तारीख को, 2 तारीख क्या होगा कि मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली ऑटो डेबिट है, वो पैसा डिडक्ट होता ही चला जाएगा। 1250 रुपये पर मंथ के हिसाब से वो डिडक्ट मेरा होता है, तो वो होता ही चला जाएगा। तो बैंक को ईएमआई जाकर जमा करने की, यहाँ पे इसका ईएमआई जमा करने की जरूरत नहीं है, वो आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट है। आप ऑटो डेबिट चाहे तो ऑफ करके मैनुअल भी जमा कर सकते हैं। किसको मिल सकता है? सभी को मिल सकता है भैया, स्टूडेंट्स को भी मिल सकता है, लेकिन क्राइटेरिया वही है, ट्रांजेक्शन अच्छे खासे होने चाहिए तीन महीने का, और सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और हाँ, ये शायद जो भी विलेज या फिर रिमोट एरिया में जो रहते हैं उनके लिए शायद अभी ये नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग हैं ना, वो अगर टाउन में रहते हैं, अगर उनके स्पेसिफिक पिन कोड के अंदर में वो उनका शॉप आता है, तभी वो लोग प्रोवाइड करते हैं। आपका शॉप, आपका घर जो है वो शॉप से काफ़ी दूर है, जो अलग पिन कोड में है, तो कई केस में हमने देखा वो लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसके बाद है बाइक ले सकते हैं। जी हाँ, बाइक भी ले सकते हैं, कार भी ले सकते हैं, कुछ लार्ज अप्लायंस, फ्रिज, टीवी, एसी, कूलर वगैरह कुछ भी खरीद सकते हैं। इनफैक्ट मॉल में भी आप यूज़ कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे देखो जितने भी प्रोडक्ट मिलते हैं सब में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन लिखा होता है नो कॉस्ट ईएमआई। जिस प्रोडक्ट पे नो कॉस्ट ईएमआई लिखा होगा सिर्फ वही प्रोडक्ट आप वहां से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोडक्ट बाय करने के लिए इंस्टॉलमेंट कैसे देना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट के लिए वही प्रोसीड्योर है कि वह बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली वो कटता ही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करें। फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर जाकर इजी वे में ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए। वहां पे पेमेंट में आप देख लीजिएगा ईएमआई का ऑप्शन होगा, ईएमआई को सेलेक्ट करेंगे, वहां पे 2 ऑप्शन होंगे, एक क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन होगा, एक नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन होगा। तो नो कॉस्ट ईएमआई वाले ऑप्शन सेलेक्ट करिए और बजाज फिनसर्व कार्ड को सेलेक्ट कीजिए और वहां से पेमेंट कर सकते हैं, इजी प्रोसेस है। इसके बाद है रेफरेंस आईडी रिक्वायर्ड। नहीं, कोई रेफरेंस नहीं चाहिए आपको। ये लोन अप्रूव करने के लिए कोई बंदा पहले से, जैसे बैंक में होता है ना अकाउंट ओपन करने के लिए, अगर आपके पास लोन अकाउंट ओपन करवाना है तो किसी एक गारंटर चाहिए, यहाँ पे कोई गारंटर वंटर नहीं चाहिए, ये सभी को प्रोवाइड कर देते हैं। ब्लॉक कार्ड, कार्ड को अनब्लॉक कैसे करें। कस्टमर अगर आपके पास कार्ड पहले से है तो लॉगिन करके वहाँ पे ब्लॉक है तो वहाँ पे रिक्वेस्ट डाल के अनब्लॉक कर सकते हैं। ईमेल भी है इसका vcare@bajajfinserv.in, उसको भी ईमेल करके आप अनब्लॉक करवा सकते हैं। हालांकि ब्लॉक हो जाने के बाद जो इसके कस्टमर सपोर्ट का जो सर्विस है ना, वो थोड़ा घटिया है, मतलब ईमानदारी बताते हैं कि वो उतना सपोर्ट नहीं देते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। देखो भाई, मैं दोनों का कंपेयर क्रेडिट कार्ड और इसका करूँगा तो मुझे तो अभी भी क्रेडिट कार्ड ही बेस्ट लगता है। बजाज फिनसर्व थोड़ा समझ से बाहर का चीज़ है। अगर आप एक्टिव नहीं है, मोबाइल पे मैसेज आप नहीं पढ़ते हैं, ईमेल नहीं पढ़ते हैं, क्या पैसा कट रहा है, कैसे आ रहा है, कभी पता चलेगा आपको इंश्योरेंस के, कब आपके नाम पे इंश्योरेंस अलॉट कर दिया 2 लाख 4 लाख और पैसे आपको हर महीने महीने जा रहे थे, ये सब चीज़ एक्टिव रहिए। कब इंश्योरेंस हुआ, आपको इंश्योरेंस आने से पहले आपको फ़ोन करके बताया जाता है कि यह इंश्योरेंस एक्टिव कर रहे हैं, आप समझे नहीं, आप यस बोल दिए तो बस पैसा आपका चलता ही चला जाएगा, ये सब चीज़ है। तो थोड़ा उल्लू बनाते हैं इस, अगर आप लोग समझ पाइएगा कि क्या बता रहा है, क्या हो रहा है मेरे कार्ड के साथ, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसके बाद ये कार्ड कैसे आएगा भैया? कार्ड कुरियर से घर पे आएगा। आप जैसे कि आज कार्ड अप्लाई करो, कंपनी तो बोलती है, बजाज कंपनी बोल रही है कि 15 से 20 दिन में हम लोग भेजते हैं, लेकिन यार मेरा 3 EMI कटने के बाद मेरे घर पर ये कार्ड आया, तो 3 EMI मतलब 3 महीने। कार्ड एक बार आ गया तो सभी तरह के खरीदारी कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गोल्ड परचेज कर सकते हैं क्या।
गोल्ड के लिए यार मैंने पूरी डॉक्यूमेंटेशन इनकी उठा के पढ़ी है, वहां पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप नहीं खरीद सकते आई थिंक। लेकिन क्रेडिट कार्ड का रूल होता है कि आप खरीदने के लिए खरीद सकते हैं लेकिन आप इसको ईएमआई में कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं। इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ, मेरे ख्याल से शायद आप गोल्ड को ईएमआई में नहीं कन्वर्ट करवा सकते हैं। दोस्तों तो यही है कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं कि ये 25,000 से ज्यादा आउटलेट्स इसके अवेलेबल हैं, 600 से ज्यादा सिटीज में और 50 से ज्यादा कैटेगरीज में ये प्रोडक्ट जो है आप खरीद सकते हैं। 50 से ज्यादा प्रोडक्ट मतलब बाइक, कार, फ्रिज, एसी, कूलर, मतलब ये सारे कैटेगरीज लगा के 50 से ज्यादा कैटेगरीज हो जाते हैं दोस्तों। तो बस यही है छोटे मोटे जानकारी। इसके बावजूद अगर आपका कुछ क्वेश्चन या कुछ भी डाउट वगैरह रह गया हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूं और सबका रिप्लाई भी करता हूं। तो उम्मीद है कि ये वीडियोज आपको काफी पसंद आएगा, वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।